नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा विष्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी मौज के इस नए एपिसोड में। आम आदमी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए आज का दिन अहम साबित हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में पिछले एक महीने से कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में 25 मई को 6वें चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल को मिली जमानत ने इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी राहत दे दी है। केजरीवाल की जमानत पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेता जहां केजरीवाल के बाहर आने पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं 4 जून को बीजेपी की करारी हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी को समय मिलेगा कि वो आत्मचिंतन करें कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद अब राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष के सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें सुनने और देखने को मिल रही हैं। इसमें अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तेज दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।